दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन देखेंगे। और मैंने पिछली ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर के आप वीडियो वाली सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये इसकी सॉल्यूशन आप देख सकते हो। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 का मैट्रिक्स, ये कंस्ट्रक्ट करना है। और हुज एलिमेंट्स आर, ये पहला पोर्शन है इसका ए आई जे, और ये क्या दिया हुआ 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, ये ऐसा दिया हुआ है। और इसमें i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और j नंबर ऑफ कॉलम को। पहले हम 3x4 का मैट्रिक्स यहाँ पे कन्वर्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो a11, अब इसमें क्या है 3x4 है, तो अपन ये 3 रो बनाएंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। तो a11, a12, a13, a14, फिर ये a21, a22, a23, a24, फिर ये a31, a32, a33, a34। तो ये है अपना इस तरीके का ये मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें पहले दे दिया है कि a i j कितना है, ये वाले पोर्शन है, तो अपन इसमें i और j की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, और ये एलिमेंट आ गया कि एलिमेंट कौन सा है। तो a11 पहले अपने 1 निकालते हैं, तो ये i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, 1 × 3 -3 है, तो ये कितना हो जाएगा -3, -3 + 1, तो -3 + 1 कितना होगा -2 होगा, और मॉड में लिखा हुआ है तो -2 का मॉड कितना होगा +2 होगा, और +2/2, तो ये 1 हो गया। और फिर ये a12, अब i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 × 3 कितना होगा -3, और ये +2 तो कितना हो गया, ये -1 हो गया। तो -1 का मॉड कितना होता है +1 होगा, +1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब ये a13, तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये -3 - 3 + 3 कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो मॉड 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। अब ये मॉड क्या है, मॉड वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव कभी भी नहीं देता है मॉड। और फिर ये a14 रखेंगे, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 4, तो ये कितना होगा 1 होगा, 1/1, तो ये 1/2 हो गया। a21, ये 21 निकालेंगे, तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो ये -6 हो गया, -6 + 1, तो ये -6 + 1, तो ये -5 हो गया, -5 उसका मॉड निकालेंगे तो मॉड पॉजिटिव होगा, तो ये 5/2 हो गया। अब ये a22 निकालेंगे, तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, तो ये -6 + 2 कितना हो गया -4 हो गया, -4 का मॉड कितना हो गया 4 हो गया, 4/2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब ये a23 i की जगह पे 2 और ये 3 के j के जगह पे 3, तो -6 + 3, ये तो ये कितना हो गया -3 हो गया, -3 का मॉड +3 और ये /2, तो ये 3/2 हो गया। a24, तो ये -6 + 4, तो -2 का मॉड 2 हो गया, 2/2, तो ये 1 हो गया। अब ये a31, तो ये i की जगह पे 3 और j की जगह पे 1, तो ये 3 × -3, तो ये -9 + 1, तो ये -8 हो गया, -8 का मॉड +8 और /2, तो ये 4 हो गया। फिर ये a32,
तो -9 और +2 तो ये -7 और -7 का मॉड 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2। अब ये a 3 3, तो ये -9 प्लस 3 तो कितना हो गया -6, -6 का मॉड कितना हो गया +6 और +6 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 3 हो गया। और फिर ये a 3 4, तो ये -9 -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 कितना हो गया -9 प्लस 4, -9 और प्लस 4 कितना हो गया -5, -5 डिवाइडेड -5 का मॉड करेंगे तो ये +5 होगा, +5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये अपना आंसर क्या होगा। अब ये देखो ए 11 कितना था, ये 1 हो गया, 1 2 1 बाय 2 1 3 0 1 1 4 1 बाय 2, फिर ये 2 1 5 बाय 2 2 2, ये 2 हो गया, 2 3 3 बाय 2 2 4 1 3 1 4 3 2 7 बाय 2 3 3, ये 3 हो गया, 3 4 5 बाय 2 हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। अभी इसी का क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ का ही सेकेंड पार्ट है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i-j। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये a11 निकालना है, तो a11 तो ये कितना हो गया 2 2-1, तो ये 1 हो गया। अब a12 तो ये 2-2, ये 0 हो गया। a13 1 और ये -3 तो ये -1 हो गया। a14 1 4 तो यहां 2-4 तो -2 हो गया। फिर ये a21 यहां 2 रखेंगे तो ये 4 होगा और 4-1 तो ये 3 होगा। a22 यहां 4 4-2 कितना होगा 4-2 तो ये 2 हो गया। फिर a23 4-3 1 हो गया। a24 4-4 तो ये 0 हो गया। a31 6 6-1 कितना हो गया 5 हो गया। a32 6-2 6-2 ये 4 हो गया। a33 6-3 ये 3 हो गया। a34 6-4 तो ये 2 हो गया। अब एलिमेंट अपन यहां पे राइट डाउन करते हैं तो ये 11 कितना है 1 1 2 0 1 3 -1 1 4 -2 2 2 1 ये 3 2 2 ये 2 हो गया। 2 3 1 हो गया। 2 4 ये 0 हो गया। फिर ये 3 1 ये 5 हो गया। 3 2 ये 4 हो गया। 3 3 3 हो गया। 3 4 ये 2 हो गया। तो ये अपना एलिमेंट आ गया। तो ये देखो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड और ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 6 होगी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का ही।